नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, सीआईवी के नवंबर 2024 का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि अभी जो हमारे पास समय है लगभग अगस्त जुलाई एंड है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर के मिड, मतलब 15 दिन तो नवंबर का ही आपके पास, यानी 3.5 महीने आपके पास, तो कैसे इसको सबसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए ताकि हम लोग निश्चिंत रूप से सीआईबी नवंबर 2024 एग्ज़ाम को निकालें ही, चाहे 5 पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो, चाहे 1 पेपर हो, कितना भी पेपर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि सबसे फुल प्रूफ टेक्निक क्या है, जिसमें मैं यदि 1 से 2 घंटा यदि आप डेली बेसिस पर देते हैं और वीकेंड पर यदि आप 3 से 4 घंटा देते हैं तो निश्चित रूप से आप सीआईबी नवंबर 24 एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे। तो अंतिम तक बने रहें, एक ही चीज़ मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डेट पर। ये देखिए, आपका एग्जामिनेशन का डेट है आपका 24 नवंबर को सबसे पहला एग्जाम ईवीएम का कंडक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 1 दिसंबर का है, वो बीएफएम का होगा, और फिर 8 दिसंबर को ईवीएफएम का होगा, और फाइनली 14 दिसंबर को बीआरबीएल का होगा, और 15 दिसंबर को आपका इलेक्टिव पेपर होगा, रूरल एचआरएम इन आईटी डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रल बैंकिंग। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है जो न्यू कमर्स है उनके लिए कि कौन सा इलेक्टिव पेपर मैं चूज करूं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्टिव पेपर का, सभी इलेक्टिव पेपर का प्रोस क्या है, कौन क्या है, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बता रहा हूं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप सीआईबी एग्जामिनेशन को निश्चित रूप से क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक माइंडसेट चेंज कीजिए। माइंडसेट आपको क्या चेंज करना है कि देखिए, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि जब एग्जाम का 1 महीना बचता है तब हम थोड़ा एक्टिव होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अभी अवॉइड करना है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल ये समझ के चलिए कि सीआईबी का एग्जामिनेशन में आज का जो पैटर्न रहा है दोस्तों, आपको कम से कम 3 महीना देना ही पड़ेगा, तो आपको अभी से शुरू हो जाना है। 3 महीना यदि आप सही तरीके से काम करेंगे, यदि 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा डेली बेसिस पे देंगे और जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं इसको यदि आप कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको बीएफएम को देना है। यदि मैं एक सब्जेक्ट का नाम बताऊं जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना है, वो मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इस बार पेपर आसान पूछा था बीएफएम का, लेकिन ऐसा मौका हर एक बार नहीं मिलता है आपको, बीएफएम का पेपर कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, तो बीएफएम को सबसे ज्यादा आपका ध्यान आपका बीएफएम पे जाना चाहिए, उसके बाद एवीएम होना चाहिए, उसके बाद एवीएफएम होना चाहिए, और उसके बाद बीआरबीएल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके साथ के लिए हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाया हूँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी है और ओवरऑल सब्जेक्ट्स का भी है मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने क्या किया दोस्तों कि आपको मैं डेली टारगेट दूंगा। देखिए, जैसे कहा जाता है ना, कोई बड़ा टास्क है उसको यदि हमें करना है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इंडिविजुअल टास्क पर यदि हम फोकस करेंगे तो बड़ा टास्क अपने आप हो जाता है। सो दैट इज आवर मेन मोटो हियर। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बीएफएम एक भारी सब्जेक्ट है, एक टफ सब्जेक्ट है, देखने में टफ लग रहा है, हमने क्या किया, इसको डे वाइज डिवाइड कर दिया, यानी डे वाइज आपको मैंने क्या किया कि डेली बेसिस पे आपको मैंने टारगेट दे दिया कि आज के दिन में आपको यहां से यहां पेज पर पढ़ना है मैकमिलन बुक का, और दिन के समाप्त मैं क्या करूंगा, आपको मॉक टेस्ट दूंगा, आपको क्विजेस करवाऊंगा। तो बेसिकली ये हमारा मॉक टेस्ट प्लान है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम का एक पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको डेली क्विजेस, यहां देख सकते हैं आप, मैं आपको डेली क्विजेस दूंगा। जैसे हमने तय किया, देखिए यहां पे मैंने स्केड्यूल बना रखा है, आपको मैं स्केड्यूल भी शो कर देता हूं। ये देखिए, ये बेसिकली पहला, जैसे 4 अगस्त है, 4 अगस्त को आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दो यूनिट का टेस्ट होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा 4 अगस्त से लेकर, जैसे आज 29 तारीख है, तो 29/7 से लेकर आपका जो 4 अगस्त तक का समय रहेगा, जो भी 6-7 दिन जो भी है, उसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 पे फोकस करना है। और मैं क्या करूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें मैं दोस्तों जो भी इनरोल होंगे इस पार्टिकुलर कोर्स में उनको मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करूंगा कि जैसे आज आपको 1 से लेकर 5 पेज तक पढ़ना है। उसके साथ केवल पढ़ना ही नहीं है, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं, पीडीएफ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आपको उसके गो थ्रू होना है, दैट्स ऑल। और आप यदि गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर शाम में आपको एक क्विज दूंगा मैं कि उतना ही पेज में ये क्विज है जिसको आप अटेम्प्ट कर लें, ये देखने के लिए कि आपने कितना ग्रास्प किया कांसेप्ट को। तो देखिए, छोटा सा काम हो जाएगा आपका, आज का काम खत्म। उसी प्रकार जैसे हमारा वीक आएगा, जैसे हमारा सप्ताह आएगा, तो उस दिन हम लोग एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। और इस यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और फायदे की बात यह है कि 50 क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी और वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा, यानी वीडियो एक्सप्लेनेशन में मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, जिसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। और दोस्तों, सवाल ये उठेगा आपके मन में कि कहां पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो हमारा एक एप्लीकेशन है जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल का, जिस पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसको आप मोबाइल पे या वेब पे जैसा आपको सुविधा हो, लैपटॉप पे भी अवेल कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगला 11 अगस्त को आपका यूनिट 3 यूनिट 4 का टेस्ट होगा, 18 अगस्त को आपका यूनिट 5 यूनिट 6 का टेस्ट होगा, और जैसे हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो मैं आप
आपको 100 क्वेश्चन का एक मॉड्यूल वाइज यूनिट टेस्ट करवाऊंगा, एक मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट करवाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल बी का सिमिलर फॉर्मेट रहेगा हमारा, मॉड्यूल सी का रहेगा और फिर मॉड्यूल डी का रहेगा। और फाइनली जब हमारा एग्जामिनेशन के बहुत ही कम समय बचे रह जाएंगे तो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। प्रत्येक फुल लेंथ मॉक टेस्ट में हमारा क्या रहेगा, 1 से लेकर 4 यूनिट्स रहेगा। देखिए कुछ लोग होंगे जो केवल मॉक टेस्ट ही चाहिए, तो बिल्कुल सही है, मॉक टेस्ट का भी हमारे पास प्लान है। एक मॉक टेस्ट का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 200 रुपीज़ मात्र कॉस्ट है इस मॉक टेस्ट का। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 15 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 4 मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट है और डेली क्विज़ तो 100 के ऊपर रहेंगे, वो मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये तो BFM का बात रहा, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनको केवल मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ दोनों दोस्तों उनको यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको बोला ना कि डेली बेसिस पे मैं आपको पेज बताऊंगा और पेज के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है इसका, ये इसका वीडियोस है, तो वो आपको मिलेगा। और फाइनली मैं आपको कैप्सूल कोर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, PDF मिल रहा है, प्लस वीडियोज मिल रहा है और प्लस आपको मॉक मिल रहा है और प्लस कैप्सूल कंटेंट मिल रहा है, जो हमारा व्हाट टू स्टडी PDF होता है, कैप्सूल कंटेंट होता है, यानी ये चारों चीज का फायदा आपको मिल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूं, वो है मात्र 400 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक एप्लीकेशन पे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं या मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता हूं, तो मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ऐप पे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम AVFM की बात करें, फिर टॉक अबाउट द AVFM, सिमिलरली देखिए मैंने शेड्यूल तैयार किया आपके AVFM के लिए। ये देखिए यूनिट वाइज शेड्यूल है, 25 यूनिट AVFM में आपको पता होगा। और सबसे पहले हम लोग पहले ये 18 तारीख तक पहला यूनिट कवर करेंगे, एक मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट कर लेंगे, फिर यूनिट 6 से लेकर 12 तक अपना मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट 2 होगा और इस प्रकार से शेड्यूल होगा। दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि जितना आपको काम डेली बेसिस पे दिया जा रहा है आपको क्या आपका फोकस उतना ही पे होना चाहिए, बाकी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। मटेरियल का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप टेस्टिमोनियल से देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं वही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 से 5 साल का जो हमारा BFM का पेपर हुआ, AVFM का 3 पेपर हो चुका है, उसका सारा पेपर मेरे पास अवेलेबल है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं ज्यादा जोर रहेगा। और डेली बेसिस पे यदि आप टारगेट करते जाएंगे तो आपको अंतिम में जो ये होता है कि अंतिम में आपको पूरा दिन भर का मेहनत करना पड़ता है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रॉपर ये जो मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट है ये एक तरह से रिविजन ही करेगा, रिविजन पर्पज लिए बनाया गया है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको रिविजन ही करवाया जाएगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको सभी मॉक टेस्ट का प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन और PDF सॉल्यूशन मिल रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं AVM का भी हमारा है, डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ये हमारा स्केड्यूल है AVM का। आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स रहेंगे PDF वीडियोस मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सब प्रोवाइड किया जाएगा और एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। और इसी तरह हमारा BRBL का है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि बेसिकली किस प्रकार से हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिनको केवल BFM को ऑप्ट करना है तो BFM को ऑप्ट कर सकते हैं, पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़ कॉस्ट है। और यदि आप कंबाइंड ऑप्ट करेंगे including elective subject, तो दोस्तों इट विल कॉस्ट यू वनली ₹1800 राइट फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स फॉर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। सो देर विल बी इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप फॉर इच मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर BFM फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स एंड आई विल गाइड यू थॉरली थ्रू आउट द प्रिपरेशन। दिस कोर्स विल बी वैलिड टिल द दिसंबर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी गाइडेड थ्रू आउट। सो होपफुली यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ हाउ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिजाइन। सो इफ यू वॉन्ट टू इनरोल, वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। You can WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access this course. Thank you.